हेलो फ्रेंड्स, आई स्वाति मंडवारिया वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एसडीएम वेज फूडीज। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट काढ़ा बनाने के लिए काढ़े का पाउडर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आज के टाइम में जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें ये काढ़े का पाउडर हमें काढ़ा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। काढ़ा बनाने की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे काढ़े को बनाने के लिए पाउडर, जिसको कि आप बहुत इजीली बना सकते हैं और इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। काढ़े का पाउडर बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 6-7 तेजपत्ता और ये है 4-5 दालचीनी, ये लगभग 1-1 इंच के टुकड़े हैं। ये लिए हैं हमने सौंठ के टुकड़े, जो कि 4-5 हैं और लगभग 1-1.5 इंच के ये टुकड़े हैं। ये लिए हमने दोड़ा इलायची 4 और 5-6 छोटी हरी इलायची, 25 लौंग और 30 काली मिर्च और ये लिए हमने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। काढ़े का पाउडर बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने जो खड़े मसाले लिए हैं उनको हम डालेंगे। तेजपत्ता, दालचीनी, सौंठ, हरी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। अब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। हमें इन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इनका मॉइस्चर निकल जाए उतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। हमने इन्हें 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब हम हमारी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। हमने ये जो खड़े मसाले रोस्ट किए थे ये अब अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। हम इन्हें इस तरह से जार में डालकर और मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। हमने हमारे सारे खड़े मसालों को दरदरा पीस लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हमने ये जो मसाले पीसे थे ये अब ठंडे हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला काढ़ा बनाने के लिए पाउडर बिल्कुल तैयार है। इस पाउडर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको काढ़ा बनाना है इस पाउडर का आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है, जिससे कि आप काढ़ा बनाकर और तैयार करके उसका यूज कर सकते हैं। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए आप 2 कप पानी लेंगे और उसके अंदर 1-1.5 टी स्पून ये काढ़े का पाउडर मिक्स करना है और उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते ऐड करके उसे बॉईल करेंगे और जब वो पानी आधा रह जाए तब गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद आप उसमें 1-1.5 टी स्पून हनी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद अनुसार उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिठास के लिए डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उस काढ़े को आप छान लीजिए और वो काढ़ा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है।